भारत के इतिहास में जब जब केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई है, तब तब विदेशियों ने सुगमतापूर्वक आक्रमण का मार्ग ढूंढ निकाला है। चक्रवर्ती सम्राट अशोक के पश्चात सत्ता में आए अन्य मौर्य शासकों के कार्यकाल में मगध की केंद्रीय शक्ति कमजोर होने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न क्षेत्रीय शक्तियों का उदय होने लगा। और इसी स्थिति का लाभ उठाते हुए इंडो ग्रीक शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र पर फिर से एक बार आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। ये इंडो ग्रीक शासक कौन थे और उनके आक्रमण के भारतीय राजनीति और संस्कृति पर क्या क्या परिणाम हुए, इसकी विस्तृत चर्चा आज के इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं। तो आओ दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सिकंदर की मृत्यु के पश्चात उसने अपने पीछे एक बहुत ही विशाल साम्राज्य छोड़ा था, जिसमें मैसेडोनिया, सीरिया, बैक्ट्रिया, पार्थिया, अफगानिस्तान और पश्चिमोत्तर भारत का कुछ भाग भी सम्मिलित था, जिसमें से पूर्वी भाग का उत्तराधिकारी बना उसका सेनापति सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर सिकंदर के अधूरे सपने को पूरा करना चाहता था और इसलिए उसने 305 ईसा पूर्व में फिर से एक बार भारत पर आक्रमण किया। लेकिन इस बार भारत में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित हो चुका था। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को परास्त किया और संधि में काबुल, हेरात, मकरान और गांधार जैसे क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया। साथ ही साथ सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना से विवाह कर यूनानियों के साथ पारिवारिक संबंध भी प्रस्तापित कर दिए। आगे 305 ईसा पूर्व से लेकर 206 ईसा पूर्व तक सेल्यूकस निकेटर के वंशज और सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के वंशजों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध बने रहे। लेकिन सम्राट अशोक की मृत्यु के पश्चात सत्ता पर आए निर्बल मौर्य शासकों के दौर में स्थितियां बदलने लगी और फिर से एक बार भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र पर विदेशी आक्रमण होने लगे। भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र पर वर्चस्व कायम करने वाले इन्हीं शासकों को इंडो ग्रीक शासक अर्थात हिंद यवन शासक इस नाम से जाना जाता है। इनके क्रियाकलापों का ऐतिहासिक परिचय हमें स्ट्रेबो, जस्टिन, प्लूटार्क और पोलीबियस जैसे विदेशी इतिहासकारों के उद्धरणों से प्राप्त होता है। इन इतिहासकारों ने यवनों की भारत में राजनीतिक गतिविधियां तथा सांस्कृतिक उपलब्धियों का वर्णन भी अपनी कृतियों में किया है। इस संदर्भ में मिलिंद पन्नू को भी एक प्रमाणित साहित्यिक ग्रंथ माना जाता है। साथ ही साथ पतंजलि के महाभाष्य और गार्गी संहिता से भी हमें यवनों द्वारा भारत में किए गए भौगोलिक विस्तार की जानकारी प्राप्त होती है। दोस्तों, सेल्यूकस निकेटर के पश्चात उसका पुत्र एंटियोकस प्रथम और एंटियोकस प्रथम के पश्चात उसका पुत्र एंटियोकस द्वितीय पूर्वी ग्रीक साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना। एंटियोकस द्वितीय के कार्यकाल में ही बैक्ट्रिया के राज्यपाल डियोडोटस प्रथम ने और पार्थिया के राज्यपाल अर्सेकस ने विद्रोह करके अपने आप को स्वतंत्र कर लिया और सेल्यूकस का राज्य तीन हिस्सों में बट गया। आगे बैक्ट्रिया में भी डियोडोटस प्रथम के पश्चात डियोडोटस द्वितीय के कार्यकाल में उसके सेनापति यूथिडेमस ने डियोडोटस द्वितीय की हत्या कर बैक्ट्रिया पर अपना अधिकार कर लिया। इसी यूथिडेमस के पुत्र डेमेट्रियस प्रथम को भारत की सीमा में प्रवेश करने वाला प्रथम इंडो ग्रीक शासक माना जाता है। डेमेट्रियस प्रथम ने 183 ईसा पूर्व के आसपास भारत पर अपना अभियान चलाया। उसने पंजाब के कुछ हिस्सों को जीत कर साकल अर्थात आधुनिक सियालकोट को अपनी राजधानी बनाया। साथ ही साथ भारतीय राजा की उपाधि धारण करके उसने यूनानी तथा खरोष्टी इन दोनों लिपियों में बने सिक्के चलवाए। इसी दौरान भारत में यवन आक्रमण और यवन अत्याचार को लेकर मौर्य सम्राट बृहद्रथ पर दबाव बढ़ रहा था। लेकिन सम्राट की निष्क्रियता के कारण सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर दी और मगध की सत्ता पर अपना अधिकार कर लिया।
कुछ इतिहासकार मानते हैं कि महर्षि पतंजलि जो पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे, उनके द्वारा रचित महाभाष्य और गार्गी संहिता में जिस यवन आक्रमण का उल्लेख है, उस यवन आक्रमण का नेतृत्व खुद डेमेट्रियस प्रथम ही कर रहा था। डेमेट्रियस प्रथम के पश्चात इसी वंश में आगे मिनांडर नाम से सबसे प्रसिद्ध हिंद यवन शासक हुआ। मिनांडर को बौद्ध साहित्य में मिलिंद कहा गया है। बौद्ध भिक्षु नागसेन के प्रभाव में आकर मिनांडर ने बौद्ध धर्म का स्वीकार किया। नागसेन और मिनांडर के बीच हुई वार्ता या वाद विवाद का उल्लेख हमें मिलिंद पन्नो इस ग्रंथ के माध्यम से देखने को मिलता है। मिनांडर के कार्यकाल में उसकी राजधानी साकल शिक्षा और व्यापार का प्रमुख केंद्र बनी। इसका साम्राज्य उत्तर में काबुल, दक्षिण में बुंदेलखंड, पूर्व में मथुरा और पश्चिम में सिंध तक फैला हुआ था। हाल ही में कौशाम्बी के पास रेह नामक स्थान से प्राप्त अभिलेख से हमें मिनांडर का साम्राज्य पूर्व में इलाहाबाद तक होने की पुष्टि हुई है। मिनांडर के सिक्के हमें गुजरात के भड़ोज से भी प्राप्त हुए हैं। तत्कालीन समय में चांदी के सिक्कों के लिए द्रम शब्द का प्रयोग किया जाता था। यह शब्द यूनानी भाषा से ही लिया गया था। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाने का श्रेय भी मिनांडर को ही जाता है। उसके सिक्कों पर हमें धर्मचक्र अंकित मिलता है। मिनांडर के पश्चात हमें हिंद यवन शासकों में और एक प्रतापी शासक नजर आता है, जिसका नाम है एंटियालकिड्स। उसने अपने राजदूत हेलियोडोरस को शुंगवंश के शासक भागभद्र के दरबार में भेजा था। हेलियोडोरस ने भागभद्र के दरबार में आने के पश्चात भागवत धर्म को अपनाया और विदिशा में एक गरुड़ स्तंभ की स्थापना की, जिसे आज हम विदिशा का गरुड़ स्तंभ या हेलियोडोरस का स्तंभ इस नाम से जानते हैं। यूक्रेटाइड्स वंश के अंतिम शासक का नाम हरिमियस था, जिसकी मृत्यु के साथ ही पश्चिमोत्तर भारत से यवन शासकों के लगभग 200 वर्षों के शासन का अंत हो गया। वैसे तो भारत और यूनान के बीच सिकंदर के आक्रमण से पूर्व ही घनिष्ठ व्यापारिक संबंध थे, लेकिन हिंद यवन आक्रमण के पश्चात जब दो संस्कृतियां एक दूसरे के निकट आई, तब परस्पर संबंध और भी दृढ़ हो गए। व्यापारिक लेन देन के लिए सुडोल सिक्कों का निर्माण करके उन पर राजा की प्रतिमा को अंकित करना, नाम छपवाना, ये प्रथा यवनों के माध्यम से ही भारत में प्रचलित हुई। उन्होंने ही भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के चलवाए और भारतीय मुद्राओं को अधिकाधिक कलापूर्ण बनवाने में सहयोग किया। मापतोल में प्रयुक्त होने वाले बेडोल पारंपरिक इकाइयों की जगह सुडोल एवं निश्चित प्रणाली का विकास भी इन्हीं के माध्यम से हुआ। इसी के साथ भारत में गंधार शैली का जन्मदाता भी इन्हें ही माना गया है। महात्मा गौतम बुद्ध की मूर्तियों में घुंघराले बाल, वेशभूषा का अलंकार, ये सब यूनानियों के हेलिनिस्टिक कला का ही प्रभाव है। ज्योतिष विद्या के क्षेत्र में भी भारतीयों को यूनानियों से काफी कुछ सीखने को मिला, जैसे कि नक्षत्रों के माध्यम से भविष्य देखना, ग्रहों के नाम और सप्ताह का 7 दिनों में विभाजन करना आदि। गार्गी संहिता में कहा गया है कि ज्योतिष के क्षेत्र में भारत यूनानियों का हमेशा ऋणी रहेगा। वराहमिहिर कहते हैं कि भले ही यवन क्रूर और बर्बर थे, लेकिन वो ज्योतिष के विद्वान थे। यूनानी दार्शनिक जैसे कि अरस्तु, पाइथागोरस, सुकरात, इनके प्रति भारतीयों के मन में भी श्रद्धा थी, लेकिन इनके दर्शन का भारतीय दर्शन पर हमें खासा प्रभाव नजर नहीं आता। साथ ही साथ धार्मिक प्रभाव की बात करें तो हमें विपरीत प्रमाण ही नजर आते हैं, जैसे कि मिनांडर द्वारा बौद्ध धर्म को अपनाना और हेलियोडोरस द्वारा वैष्णव मत को अपनाना। अंत में यही कहा जा सकता है कि हिंद यवन आक्रमण के पश्चात भारत पर यूनानी संस्कृति का प्रभाव पड़ने के बजाय यवनों पर ही भारतीय संस्कृति का प्रभाव पड़ा और उन्होंने ही यहाँ की संस्कृति को स्वीकार किया। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशंस पर सेट कीजिए, ताकि हमारे अगली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको तुरंत प्राप्त हो। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। जय हिंद।